गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी के बज रहे हैं 8 और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम अपने बाबू से। तो सबसे पहले मिलवाते हैं आप लोगों को बाबू से। तो बाबू करेगा हाय, बाबू गुड मॉर्निंग बोलना गाइस को। तो बाबू देखो किस स्टाइल में अपने चेयर पर बैठा हुआ है। तो बाबू बोलेगा हाय, बाबू हाय, हाय बोलेगा। तो देखो बाबू ने आप लोगों को किया हाय। तो चलो अब हम चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमने क्या क्या बनाया है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिएगा ये बनकर, ये कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये कॉफ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। और दूसरी तरफ हम आप लोगों को दिखाते हैं। दूसरी तरह हम आप लोगों को दिखाते हैं गाइस क्या हो रहा है। देखिएगा गाइस दूसरी तरफ मेरे ऐप राइट हो रहे थे। हम देख लेंगे कैसे हो चुका है या नहीं। तो एक साइड से हो चुका है, तो मैं इसको पलट देती हूँ कि दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो मुझे क्योंकि मुझे ना ज़्यादा कड़क एग पसंद है, तो मैं भाई ज़्यादा कड़क करूँगी। तो अभी थोड़ा थोड़ा रह गया है, अभी अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो अभी मैंने इसको पलट दिया है, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद अब हम चलते हैं आगे और भी दिखाते हैं आप लोग। तो हम चलते हैं, आप लोगों ने दो चीज़ तो देख ही ली होगी गाइस। तो मेरी ये दोनों चीज़ें बनकर रेडी हो चुकी है, कॉफ़ी एग फ्राई हो रहे हैं। और क्या कहते हैं और भी दिखाते हैं हमने क्या क्या किया है। उसके बाद मैंने क्या किया था, तो हाँ एक चीज़ और रह गई थी। फिर मैंने अपने बाबू के लिए इसमें दूध उबाल दिया है। तो ये अभी ठंडा हो रहा है क्योंकि पानी में जल्दी ठंडा हो जाता है। कोई भी चीज़ हो गर्म तो उसको पानी में रख दूँ तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो मैंने पानी में रख दी है। अब हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये है टमाटर का पेस्ट। तो इसमें कितनी टमाटर थी, तो इसमें 2 टमाटर मैंने मिक्सी से पीस लिया है। तो ये पेस्ट बनकर रेडी हो गया है टमाटर का। और दूसरी तरफ ये है लहसुन, अदरक और प्याज, ये इन तीनों का पेस्ट है। और तीसरी तरफ है ये मसाला। तो इसमें क्या क्या पीस लिया है मैंने, तो इसमें है गाइस देखो, इसमें है खड़ा धनिया, खड़ी मिर्ची और हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने इसी में मिक्स कर ली है। तो गाइस अब हम दिखाते हैं आप लोगों को। उसके बाद देखो मैंने क्या बनाई थी, तो उसके बाद मैंने बनाई थी, तो अभी ये हट नहीं रहा है उसमें जैम, क्योंकि उसमें वो टाइट हो गया है तो निकल नहीं रहा है। तो इसके अंदर है पपैया, यानी पपैया है मैदा की। तो इतने सारे काम हो चुके हैं मेरे, अब जो बाकी के काम बचे हैं तो अब क्या रहा, तो अब मुझे दूसरी सब्ज़ी क्या बनानी है। दूसरी सब्ज़ी बनानी है मुझे पोटैटो और साथ में चपाती, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बनकर मेरी रेडी हो चुकी है। तो गाइस देखो बाबू आया, बाबू सोच रहा है कि मम्मा ने जो दूध रखा था उबाल के वो ठंडा हो गया, तो मुझे कब पीने के लिए मिलेगा। तो अभी ठंडा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अभी ही उबाला है थोड़ी देर पहले गाइस। तो चलो अब हम चलते हैं। देखो आप लोग कहते हैं कि बाबू की चोटी नहीं बांधी, देखो बाबू की चोटी बांध दी है और बाबू ने अपने